हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। देश में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी रोजाना हो रही है। हमें आए दिन खबरों में बलात्कार, आत्महत्या, महिला की हत्या जैसे मामले सुनने को मिल जाते हैं। इन मामलों के ज्यादातर कारण या तो दहेज से जुड़े होते हैं या फिर समाज की दकियानूसी सोच से। जहां कोरोना काल में दुनिया भर में लोग अपनों को सुरक्षित करने में लगे हुए थे, वहीं हमारे देश में इस दौरान महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले दोगुने हो रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6 सालों में पहली बार साल 2020 में हिंसा के सबसे अधिक 23,722 मामले दर्ज किए गए। ये मामले घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, आत्महत्या आदि से जुड़े थे। लेकिन इन सबके बीच हैरानी की बात तो ये है कि NCW के मुताबिक सबसे अधिक 11,872 शिकायतें सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिली। आज हमारा आपको इन मामलों की ओर ध्यान केंद्रित करने का मकसद एक और ऐसी ही दर्दनाक घटना से रूबरू कराना है। मामला बांदा जिले के गांव पोहार का है, जहां 27 मई को एक 21 साल की महिला को उसके पति ने जबरदस्ती दूध में तेजाब घोल के पिला दिया। महिला के 3 दिन घर पर ही तड़पने के बाद जब उसके मायके वालों को इस बात की सूचना मिली तो उन लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। उसके पति ने यह आरोप भी कबूला और उसके कुछ ही घंटों बाद महिला ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में अचंभित करने वाली बात तो ये है कि आरोप कबूलने के 1 महीने बाद भी अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरी भतीजी थाना बदौठा ग्राम पोहार जिला बांदा में ब्याही थी। मैंने उसकी शादी 1.5 साल पहले किया था, जिसको 27 तारीख को दूध और चीनी के साथ जहरीला पदार्थ दिया गया, जो बाद में पति ने एक्सेप्ट किया कि मैंने तेजाब पिलाया। तो 27 तारीख को देख के 30 तारीख तक अपने घर में रखा और 31 तारीख को बच्ची की मौत हो गई। जानकी कुंड अस्पताल में भी बच्ची ने भी बयान दिया। सतना बिरला हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। वहाँ पर PM कराया। PM कराने के बाद डेड बॉडी हम बदौसा लाए। बदौसा में बोला पहले अंतिम संस्कार करो, बाद में FIR करेंगे। अंतिम संस्कार किया हमने। अंतिम संस्कार के बाद वापस आए तब भी FIR नहीं हुई। फिर बड़ा जोर दबाव देने के बाद 2 तारीख को FIR हुई और अभी 1 महीना हो गए मैडम, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और वो लोग इधर उधर कहते घूम रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे मिल लिया है और अब सबको खरीद लिया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और बच्ची के बयान है मरने से पहले, और उसके हस्बैंड ने बयान दिया है वहाँ पर लमेटा पुलिस इंचार्ज के सामने और गांव वालों के सामने कि मैंने तेजाब पिला दिया। उसके लड़के के बाप ने एक्सेप्ट किया कि हाँ लड़के ने कुछ पिला दिया। कारण दहेज के लिए बार बार परेशान कर रहे थे। पहले 1.5 साल पहले शादी की, 8-10 लाख रुपया हमने खर्चा किया दिया, बाद में बीच में और परेशान किया तो 5 लाख रुपये फिर एक बेटी के नाम जमीन खरीदा। 2 महीने पहले, 2 महीने हम नहीं खरीद रहे थे, हमने कहा बेटी के नाम ही खरीदेंगे अगर खरीदना है तो। 3 बीघे जमीन बेटी के नाम हमने रजिस्ट्री कराई, उन्हीं को दिया, उन्हीं के द्वारा रजिस्ट्री कराई। और कुछ पैसा दिया तो लड़के के नाम में एक प्लाट दिया। अब वो लड़का अभी वो प्लाट बेच रहा है, घूम रहा है और गिरफ्तार नहीं हुआ अभी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिस तरह की जाँच की रिपोर्ट आएगी तब गिरफ्तारी होगी। अब इसमें क्या उसकी बिस्तरा की जांच की ज़रूरत रह गई, जब बेटी स्वयं बोल रही है कि मुझे दूध के साथ कुछ पिला दिया है, जब लड़का स्वयं बोल रहा है कि मैंने तेजाब पिला दिया है, इसके बाद अब क्या ज़रूरत रहेगी बिस्तरा रिपोर्ट की। PM रिपोर्ट में दिया जा रहा है कि हाँ जहर के कारण उसकी मृत्यु हुई, डॉक्टर बोल रहे हैं इसके हर अंग में जहर फैल गया, अब कहाँ बिस्तरा रिपोर्ट की ज़रूरत है। हम न्याय चाहते हैं, उनकी तुरंत जल्द से जल्द गिरफ्तारी चाहते हैं। 27 तारीख को पिलाया रात को, 30 तारीख तक उसके मरने का इंतजार किया कि घर में मर जाए तो कोरोना करके बता देंगे कि मर गई। 30 तारीख तक 5-4 दिन किसी को नहीं बताया, इन्होंने अपने घर में तड़पाती रही। लड़के के कहना अनुसार कि मैं तेजाब पिलाया हूँ, तो तेजाब कितना परेशान किया होगा पेट में बच्ची की। जब कुछ गांव वालों को पता लग गया कि इसको कुछ परेशान है बेटी, पता नहीं क्या है, तब वो हम सूचना दिया, तब हम बुलवाया कि जानकी कुंड अस्पताल। जानकी कुंड अस्पताल में भी उसको इतना डरा दिया था कि वो बोल ना सके। जब वो ये लोग साइड में हटे तब वो हमको इस तरह किया, पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा जल गया। तब हमने बोला आपने जहर पिला दिया, तब बताया बाप ने कि हाँ
हम लड़के ने कुछ पिला दिया। आज कप्तान साहब के पास आए हैं, आईजी साहब के पास भी जा चुके हैं हम लोग, अप्लीकेशन हम हर जगह भेज चुके हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल में अप्लीकेशन डाल दिया है, कहीं से कार्रवाई नहीं हो रही, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। इसका मृत्यु के लगभग एक महीने हो रहे हैं लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए आज कप्तान साहब के पास आए थे, उसके हस्बैंड ने कहा दूध के साथ एक चीनी मिलाया, इसमें एक दवा मिलाया, उसको बोला, उसने जब उसको पीने को दिया उसने कहा कि इसमें जो है जो इसने इसमें मुझे किस लिए पिला रहे हो, मुझे कोई बीमारी नहीं, बोला तुम कमज़ोर बहुत है ना, अगर ये दवा पियोगी तो धीरे धीरे तंदुरुस्त हो जाओगी। तो उसने एक घूट पिया, उसको कड़वा लगाया, जब लगा तो पीने से मना किया, तो ज़बरदस्ती जो है उसको सपना मिलकर पिला दिया। ये बयान है आपके पास? ये बयान चूँकि आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये उसने बताया। कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला है आपको? उन्होंने यही कहा है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, आपको न्याय मिले कार्रवाई करेंगे। इसके बाद भी लोग कहते हैं बिशरा का इंतजार कर रहे हैं। अब बिशरा जब हत्या डिक्लेयर हो रही है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब उनके पास इतनी पकड़ है कि आज तक उनको किसी को पकड़ा नहीं गया है, तो अब तो हमें डाउट होने लगा कहीं बिशरा भी न बदल जाए और वो पकड़े भी न जाए। ये एक केस हो गया था पौहार में लगभग 15 दिन पहले, जिसमें लड़की को तेजाब पिला के और मार दिया गया था, और वो लोग पहले तो काफ़ी अपनी तरफ से प्रयास किया है लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई है। फिर वो हम लोगों के पास तक आए थे जी, FIR तो दर्ज हो गई थी लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, जबकि क्लियर है कि लड़की को तेजाब पिला के जान से मार दिया गया है। और कोरोना का खासकर कोरोना का बहाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो उसी उन्हीं को हम गिरफ्तारी के लिए SP साहब से मिलवाने लाए थे। पति खुलेआम बयान दिया कि मैंने तेजाब पिलाया, मतलब ये तो सीधे दादागिरी है ना कि मैंने पिलाया, जाओ जो कुछ करना हो कर लो। पुलिस अपने मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो संवेदनशीलता से काम नहीं करती कि सच में इस ये वो आज मेरी लड़की 18 साल तक 20 साल तक मेरे घर में रहती है तो नहीं जलती है, लेकिन वहाँ साल भर में जल जाती है। ये तो कोरोना काल में तो मैं 2020 से और अभी तक मैं देखा बहुत केस हुए हैं। देखिए, इसमें एक तो मामला है बदौसा थाने का जिसमें कि एक जहरीला पदार्थ देने से एक मृत्यु हुई है महिला की, तो उसमें जैसा कि नियम है पोस्टमार्टम के बाद बिशरा को प्रिजर्व किया गया और बिशरा को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया है। अब जैसे ही फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है बिशरा एनालिसिस की, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जब तक ये रिपोर्टें नहीं आती हैं तब तक गिरफ्तारी का फर्दर कार्रवाई जो है, इसमें बिशरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है और आगे की कार्रवाई काफ़ी हद तक बिशरा पर ही निर्भर करती है। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि महिला के शरीर में जहर था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस दूसरी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। ऐसे में सवाल तो सिर्फ ये उठ रहा है कि क्या उस पीड़ित महिला को इंसाफ मिल पाएगा जिसने पति के जुल्मों को सहकर अपनी जान गंवा दी, या फिर एक और आरोपी को बिना किसी कार्यवाही के यूं ही छोड़ दिया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।